सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाए। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। मतदान का जो फलाफल आया वह निम्न प्रकार है। हां के पक्ष में 124 सदस्य, ना के पक्ष में 0। अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री महेश्वर हजारी सविषय बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन नियमावली के नियम 10 के तहत उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 10 सदस्य प्रस्ताव प्राप्त हुए। अब मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाए। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। सभा सचिव घंटी बंद करें और द्वार बंद कर दिए जाए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः प्रस्ताव रखता हूं कि श्री महेश्वर हजारी सविषय बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाएं। जो हां के पक्ष में है वे खड़े हो जाएं। मतों की गणना अब हां के पक्ष वाले माननीय सदस्य गण के गिनती कर लें। अब हां के पक्ष वाले माननीय सदस्य बैठ जाएं। अब ना के पक्ष वाले माननीय सदस्य खड़े हो जाएं। अनुपस्थित हैं। मतदान का जो फलाफल आया वह निम्न प्रकार है। हां के पक्ष में 124 सदस्य, ना के पक्ष में 0। अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री महेश्वर हजारी सविषय बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। महोदय, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यह खड़े होके गिनती कराके जो चुनाव परिणाम या मतों का परिणाम घोषित किया है 124 श्री महेश्वर हजारी जी के पक्ष में है। यह अपने आप में बहुत दूरगामी संदेश देने वाला है कि कोई अगर नहीं है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अल्पमत से ही अपने उपाध्यक्ष को चुन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, यह बड़े हर्ष की बात है कि माननीय सदस्य श्री महेश्वर हजारी बिहार विधानसभा के 18वें उपाध्यक्ष चुने गए हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा से निर्वाचित होने वाले श्री महेश्वर हजारी जी को राजनीति की ललक विरासत में ही मिली है। वर्ष 2005 से ये सक्रिय राजनीति में प्रवेश किए। ये चौथी दफा बिहार विधानसभा की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसके पहले मार्च 2005, नवंबर 2015 एवं इस सदस्य बिहार विधानसभा में सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। वे बिहार सरकार में भवन निर्माण विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री भी रहे हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन को उनके अनुभव से लाभ मिलेगा और वे निष्पक्षता पूर्वक अपने इस नए उत्तरदायित्व के निर्वहन करने में सफल होंगे। पुनः मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री महेश्वर हजारी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय सदस्य नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर श्री महेश्वर हजारी जी निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए मैं श्री हजारी जी को बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं।
महेश्वर हजारी जी के बारे में आपने संक्षेप में सब कुछ बताया है, लेकिन जनता की सेवा में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं और विधानसभा लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आज भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। कई बार मंत्री पद की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, यह सब बात सब लोगों को मालूम है। और आज जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ है और जो यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया और उसकी संख्या भी आ गई है, बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी निर्वाचन हुआ है कितने लोग इनके पक्ष में हैं, खड़ा होकर के लोगों ने कहा। उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिए आपने जो एक स्वस्थ परंपरा कायम किया और पारदर्शितापूर्ण जिस प्रकार से निर्वाचन हुआ और श्री महेश्वर हजारी जी माननीय उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं एवं श्री महेश्वर हजारी जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो प्रजातंत्र की इस मंदिर में आज जिस तरह से उपाध्यक्ष की निर्वाचन की आपने जो प्रक्रिया की वह बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कार्यकाल में बहुत सारी चीजों सीखने का मिला और इनके आशीर्वाद से सांसद भी बनने का मौका मिला, विधायक भी बनने का मौका मिला और मंत्री भी बनने का मौका मिला और जिस तरह से इनके कार्य करने की शैली है उससे बहुत सीखने को मिला और जनताओं के बीच में हमेशा जो कार्य करता है वो जनता के बीच में हमेशा उसका सम्मान बढ़ते रहता है। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से सबको आशीर्वाद देकर के और उपाध्यक्ष बनाने का काम किए हैं, मैं सदन के पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों को सम्मान रूप से जो नियमावली है उसके अनुरूप सदन चलाने का जब मौका मिलेगा तो करने का काम करूंगा, मैं पूरा विश्वास देना चाहता हूं।